हैदराबाद में लगातार समय समय से भारी बारिश हो रही है। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा कार्वन निर्वाचन क्षेत्र, इस क्षेत्र में झील, तालाब और नाले हैं। लेकिन कार्वन निर्वाचन क्षेत्र में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवेसी ने सरकार से सफल प्रतिनिधित्व किया और यहां पर विकास और प्रगति करवाई, जिसके कारण कार्वन निर्वाचन क्षेत्र भारी बारिश होने के कारण भी सुरक्षित है। वहीं AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवेसी ने कार्वन निर्वाचन क्षेत्र में नई सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने के लिए सरकार से 297 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाया था। ये कार्य भी तेज गति के साथ AIMIM के कार्वन के विधायक कौसर मोयुद्दीन की उपस्थिति में चल रहे हैं। एवं इस समय भारी बारिश होने के कारण कार्वन निर्वाचन क्षेत्र के 7 से 8 घरों में पानी प्रवेश किया। इसका असल कारण ये था कि गच्ची बोली क्षेत्र एवं जुबली हिल क्षेत्र दोनों के बीच जो बलगापुर नाला है, वहां पर मिंट्री क्वार्टर से जो पानी प्रवेश करता है वो रास्ता रोक दिया गया था। वहां पे कार्य हो रहे हैं जिसके कारण 7 से 8 घरों में पानी प्रवेश किया। इस संदर्भ में विधायक कौसर मोयुद्दीन ने तुरंत ही असदुद्दीन अवेसी के दिशा निर्देश पर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की और तुरंत ही ये कार्य संपन्न करने के लिए निर्देश दिया। विधायक ने हैदराबाद कलेक्टर एवं MRO को भी सूचित किया। विधायक बोले, इन परिवारों का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए। जो ये 7-8 घरों में पानी प्रवेश किया, यहाँ पर विधायक भी प्रवेश किए और विस्तार से निरीक्षण किया और अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया और आश्वासन दिया कि इनकी पूरी सहायता की जाएंगी। एवं विधायक ने जो 2 से 3 घर गिरने की भी सूचना प्राप्त हुई थी, उस क्षेत्र में भी प्रवेश किया और उस स्थान का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को इस संदर्भ में सहायता करने का भी निर्देश दिया। कार्वन निर्वाचन क्षेत्र में कहीं पर भी जनहानि की घटना नहीं घटी। कार्वन निर्वाचन क्षेत्र में 2 से 3 घर गिरने की जो सूचना प्राप्त हुई, ये घर बेहद ही छोटे थे और स्थिति बेहद ही खराब थी। भारी बारिश होने के कारण ये घर ढह गए, लेकिन जनहानि की घटना नहीं घटी। तो वहीं 7 से 8 घरों में पानी प्रवेश किया है। वहीं 7 से 8 घरों में जो पानी प्रवेश किया है, यहां पर भी विधायक कौसर मोयुद्दीन ने असदुद्दीन अवेसी के आदेशों का पालन करते हुए राहत बचाव के कार्यों में जुटे और 3 से 4 घंटों में पानी की निकासी भी करवाई एवं सफलतापूर्वक तरीके से सभी परिवारों को सुरक्षित भी बचाने का कार्य किए। वहीं विधायक कौसर मोयुद्दीन ने कार्बन निर्वाचन क्षेत्र में GHMC विभाग एवं इरिगेशन विभाग के आला अधिकारियों के साथ कई घंटों तक हर क्षेत्रों में निरीक्षण किया। विधायक ने झील और तालाबे और नालों का भी निरीक्षण किया। यहां पर भी डिसल्टिंग के कार्य अपनी उपस्थिति में संपन्न करवाए। विधायक ने मॉनसून इमरजेंसी टीम को सतर्क रहने का निर्देश दिया। एवं इस समय कौसर मोयुद्दीन ने पत्रकारों को वक्तव्य देते हुए कहा कि कार्वन निर्वाचन क्षेत्र में जो नई सीवरेज की लाइन बिछाने के कार्य हो रहे हैं, इसे हम दिसंबर तक रोकेंगे। इस संदर्भ में असदुद्दीन अवेसी से चर्चा भी की जाएंगी। एवं इस क्षेत्र में नई सीवरेज की लाइन बिछाने के कार्य जो हो रहे हैं, यहाँ पर कृष्णा की वाटर लाइन, अन्य वाटर लाइन एवं केबल वायर्स भी है, ये क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, जिसके कारण ये कार्यों को दिसंबर तक रोकने के लिए हम अधिकारी एवं असदुद्दीन अवेसी के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। एवं कार्वन निर्वाचन क्षेत्र जो आज सुरक्षित है, इसका श्रेय असदुद्दीन अवेसी एवं अकबरुद्दीन अवेसी को जाता है। समय के चलते ही यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से बॉक्स टाइप ड्रेन के कार्य अवेसी ने संपन्न करवाए, जिसके कारण कार्वन विधानसभा आज सुरक्षित है। कार्वन विधानसभा में भारी बारिश होने के कारण भी जो पूर्व में क्षेत्र प्रभावित हुआ करते थे, लेकिन आज पानी इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर रहा है, तालाबों और झील में पानी प्रवेश कर रहा है। बॉक्स टाइप ड्रेन के कार्य जो संपन्न हुए, कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये सभी कार्य विधायक कौसर मोयुद्दीन की उपस्थिति में संपन्न हुए। जब कभी भी भारी बारिश होती थी तो कार्वन निर्वाचन क्षेत्र के ये क्षेत्र प्रभावित हुआ करते थे। नदीम कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, मोहम्मद इलैन, अन्य क्षेत्र शामिल थे, लेकिन AIMIM पार्टी द्वारा बॉक्स टाइप ड्रेन के कार्य संपन्न करवाने पर ये क्षेत्र अब सुरक्षित है। अभी भी जो क्षेत्रों में बॉक्स टाइप ड्रेन के कार्यों की आवश्यकता है, वहां पर बगैर टेंडर कॉल किए के विधायक कौसर मोयुद्दीन ने जोनल कमिश्नर से प्रतिनिधित्व किया, ये कार्य भी शुरू हो चुके हैं। बता दें, कार्वन निर्वाचन क्षेत्र में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है,
इसके लिए भी जीएचएमसी कमिश्नर अमरापाली से कौसर मोहिउद्दीन ने प्रतिनिधित्व किया। करोड़ों रुपए की लागत से नई बीडीसीसी रोड्स भी स्वीकृत हुए हैं। ये कार्य भी जल्द शुरू होने की संभावना है। ये एआईएमआईएम पार्टी है। एआईएमआईएम पार्टी के लिए जनता सर्वोपरि है। जनहित में कार्य करवाए जाते हैं एआईएमआईएम के विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो सांसद रहो, विधायक रहो या फिर नगर सेवक रहो, सभी जनता के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। इसका बड़ा उदाहरण कारवन निर्वाचन क्षेत्र में फिर एक बार देखने को मिला। विधायक कौसर मोहिउद्दीन असदुद्दीन अवेसी के निर्देश एवं अकबरुद्दीन अवेसी के नेतृत्व में 48 घंटों से जनता के बीच राहत बचाव के कार्यों में जुटे हैं। इनके साथ एआईएमआईएम के नगर सेवक मोहम्मद नसीर, हारून फरान, अन्य नगर सेवक भी शामिल है, सक्रिय कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल है और सभी अधिकारी भी उपस्थित है। ये एआईएमआईएम पार्टी है जो जनता को पहले प्राथमिकता देती है और जनता के कार्यों को बेहद ही गंभीरता से करवाती है और जनता के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध करवाती है और जनता का पूरा ख्याल रखती है। ये एआईएमआईएम पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। जो रात में जो तूफानी बारिश हुई थी, 9.5 सेंटीमीटर की जो तूफानी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाके के अंदर काफ़ी पानी दाखिल हुआ था और रात में भी 6 बजे से लेकर शाम 3 बजे रात तक तफसीली बलदिया के उम्मीदवारों से दौरा किया और जहाँ जहाँ पर भी हेवी स्टॉगेशन थे उन तमाम स्टॉगेशन को बलदिया के ऑफिसर्स और बलदिया का अमला मिलकर साफ किया गया और कई जगह से रात में तेला मिली थी कि न्यूज की पेट वहाँ पर एक छोटा मकान गिरा, विरासत नगर के अंदर भी एक मकान गिर गया, उसी तरीके से 2-4 जगह के मकान गिरने की इत्तला मिली और उन तमाम जगह का तफसीली दौरा किया गया और जो बगदाद कॉलोनी लंगरस हुडा पार्क का जो तालाब है, जो हेमंत कॉलोनी से होता हुआ शातन तालाब का जो नाला जाता है, वहाँ पर इरीगेशन के डिपार्टमेंट के लोग उस नाले के अंदर रुकावट पैदा कर कुछ सीवरेज लाइन को डाइवर्ट करने के लिए रोक दिया गया था और वहाँ पर सुबह में इरिगेशन के ऑफिसर के साथ में उस जो रिकॉर्ड बनी थी जो नाले के अंदर जो काम करे थे शटर के टाइप में उस तमाम चीज़ों को निकाल दिया गया। उसके बाद वो पानी करीब करीब 1.5 फीट पानी हेमंत कॉलोनी नाले का पानी उतर गया और उसी तरीके से बहुदात कॉलोनी के अंदर तफसीली दौरा किया गया। इरीगेशन के ऑफिसर, जीएचएमसी के ऑफिसर, बहुदात कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, अफसर खान कॉलोनी के अंदर 7-8 मकान के अंदर नाले का पानी बैक मारने की वजह से पानी दाखिल हो गया था। वो सुबह 6 बजे तक भी पानी घरों में दाखिल था और वहाँ पर भी जोनल कमिश्नर को इत्तला देने के बाद उस गली के अंदर 60-70 मीटर का NP2 पाइपलाइन डालकर पानी को बैक वापस ले जाने का एक प्रपोजल दिया गया। वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू होगा। उसी तरीके से नदीम कॉलोनी के अंदर जो बॉक्सडन बनाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सडन बनाने के बाद नदीम कॉलोनी के अंदर कहीं पर भी कोई गली के अंदर भी पानी दाखिल नहीं हुआ, रोड के ऊपर भी पानी नहीं था। बॉक्सडन के जरिए शातम तालाब को पानी नहीं चलेगा। बहुदात कॉलोनी हो या अहमद कॉलोनी हो या कंपनी बाग हो या जमाली कुंटा और बड़ा बॉक्सडन वहाँ पर भी बनाया गया, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसी तरीके से सात गुम्बज की रोड के ऊपर एक जो बीच में हालिया में SNDP वाले बॉक्सडन को तामीर कर रहे थे उस दरमियान में एक पाइपलाइन डैमेज हो गया था, वो पाइपलाइन का भी काम चालू हो चुका, इंशाल्लाह वहाँ पर भी रात तक कम्प्लीट हो जाएगा। और टोली चौकी से सात गुम्बज की जाने वाली रोड के ऊपर जो पिछले एक साल से जो Zone 3 प्रोजेक्ट का जो सीवरेज का काम चल रहा है वो काम मैं समझता हूँ 70% हो चुका, 30% काम बाकी है। टोली चौकी से होता हुआ सात गुम्बज के गुलशन कॉलोनी तक जाने की लाइन है और वहाँ पर बीच में कई जगह पर कृष्णा की वाटर लाइन, कई जगह पर मांजरा की वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केबल्स बड़े बड़े, कई जगह पर बॉक्सडन आने से काम को स्टोर किया गया। उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ रहा है। कृष्णा की लाइन अगर कुछ डैमेज हो गई तो मैं समझता हूँ हल्के कारवानी नहीं तकरीबन हैदराबाद, आधा हैदराबाद को अफेक्ट होता है। वो तमाम चीज़ों को देखकर सीवरेज लाइन वाले जो बड़े प्रोजेक्ट वाले काम कर रहे हैं, मैं रात में भी सदर साहब सदर मोहतरम को इत्तला दिया और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह मैं कल सदर मोहतरम से मंजूरी लेकर
जो सीवरेज का काम चल रहा है इंशाल्लाह वो दिसंबर तक काम को रोक दिया जाएगा। सदर मोहतरम इजाजत देने के बाद उस काम को भी वार्ड चीफ को आला अहदेदारों को बुलाकर समझाकर वो काम को दिसंबर तक काम को रोक दिया जाएगा। और जहां पर भी लोग कटिंग करें इंशाल्लाह वहां पर रोड की तामीर होगी। और मैं समझता हूं ये जो काम हो रहा है सीवरेज का कोई महीना दो महीने का काम नहीं है, ये 297 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट का काम है। ये सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असन साहब के प्रपोजल पर उनकी मंजूरी पर लाकर वो काम को हल्के कारवान की हर गली के अंदर हर कॉलोनी के अंदर और जुबलीज का छोटा थोड़ा पार्ट है उस कॉलोनी के अंदर भी काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है, लोगों को वाकई तकलीफ पड़ी मगर ये काम होने के बाद मैं समझता हूँ 50 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा सीवरेज का हो या घरों में पानी दाखिल होने का, क्योंकि आप देख रहे होंगे 7 गुम्बज गुलशन कॉलोनी से होता हुआ टोली चौकी 7 गुम्बज की रोड टोली चौकी जंक्शन वहाँ से मोहम्मद इलान से अहमद कॉलोनी से लंगरोज लक्ष्मी नगर से होता हुआ मूसी में ले जाकर मिलाने का बड़ा प्रपोजल है। और मैं समझता हूँ ये काम होने के बाद जो टोली चौकी के आसपास की कॉलोनियों के अंदर सीवरेज का जो प्रॉब्लम है और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कारवान हल्के के अंदर हो या जुबली हिल्स का जो पार्ट है शेखपेट का जो डिवीज़न है उन तमाम डिवीज़न के अंदर सीवरेज का सिस्टम नहीं था। इन तमाम चीज़ों को देख के सदर मोहतरम ने सीवरेज का बहुत बड़ा एक पैकेज लिए थे मगर चंद लोग उसके ऊपर गलत समझ रहे हैं। ये आपको तकलीफ देने के लिए नहीं, आपको सहूलत के लिए ये काम किया जा रहा है। और उसी तरीके से आज के दौरे के अंदर तमाम इरीगेशन के ऑफिसर GHMC के ऑफिसर मेरी जमात के सदर मोहतमदीन एक्टिव वर्कर्स और हल्के कारवान के कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब टोली चौकी नाना नगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीरुद्दीन साहब और गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब अमीरुद्दीन साहब और दीगर कॉर्पोरेटर तमाम वर्कर्स के साथ में पूरे हल्के का समझता हूँ हकीम पेट हो या बुख्तार गुड़ा हो या अलस्नाथ कॉलोनी हो या निज़ाम कॉलोनी हो या टोली चौकी जंक्शन हो या नदीम कॉलोनी हो या विरासत नगर हो या शातम नगर हो या शातम तालाब का इंस्पेक्शन किया गया उसी तरीके से अहमद कॉलोनी के बाद कंपनी बाग बगदाद कॉलोनी इन तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया जहाँ जहाँ पर भी पानी दाखिल है और कलेक्टर हैदराबाद से भी नुमाइंदगी की गई जहाँ पर भी पानी दाखिल हुआ घरों के अंदर उनको कंपटीशन देने के लिए उनको रिलीफ देने के लिए तफसीलात बताने के बाद गोलकुंडा MRO शेखपेट MRO को हिदायत दी उन तमाम ऑफिसर आकर जहाँ पर भी घरों में पानी दाखिल हो रहा है उन तमाम जगह का इंस्पेक्शन कर रहे हैं लिख रहे हैं तफसीली दौरा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये काम होने के बाद जिस तरीके से बॉक्सन का काम हो या NP2 पाइपलाइन का काम हो बहुत बड़ा काम है। इन तमाम कामों को मुकम्मल होने के लिए अभी 2 से 2.5 महीने का काम बाकी है। इंशाल्लाह इन तमाम कामों को जल्द से जल्द कराने की पूरी कोशिश करेंगे और तमाम जगह की तफसीली हालात को सदर मोहतरम को घंटे घंटे को बताए जा रहे हैं। और रात में जो तूफानी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पर घरों में पानी दाखिल हुआ था और मैं समझता हूँ ये जो पानी आ रहा है जो जोबलिंस हो या शेखपेट हो या गच्ची बोली से बुलकापुर नाला आता है नाला ये मूसी गुजाने के नाले को आर्मी वाले रोक दिए थे और आर्मी के अंदर भी चेक डैम्स का जो डाइवर्ट किया गया था उसका काम भी चालू है। इंशाल्लाह उन तमाम काम मुकम्मल होने के बाद मैं समझता हूँ टोली चौकी के ऊपर जो पानी दाखिल हो रहा है ये पानी नहीं आएगा इंशाल्लाह। और उसी तरीके से तमाम जगह पर जो बड़े बड़े NP2 पाइपलाइन NP3 पाइपलाइन के काम चल रहे हैं कई जगह पर VDC रोड के काम चल रहे हैं इन तमाम जगह पर हर जगह पर काम चालू है। आज की तारीख में मैं समझता हूँ करीब करीब 20 से 25 करोड़ की लागत से VDC रोड मंजूर है और कई जगह पर काम चालू है कई जगह पर वर्क प्रोग्रेस में है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द 2-3 महीने के अंदर जो जो भी कॉलोनी के अंदर हो जो स्लम्स के इलाके जात के अंदर हो या मेन रोड के ऊपर इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर काम को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया।